नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति श्रीवास्तव। आपने कई बार कथाओं में तो सुना होगा परशुराम जी के बारे में, लेकिन परशुराम जी के एक चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है कि परशुराम जी ने अपनी माँ का ही सर काट दिया। लेकिन क्यों काटा, इसके पीछे कितने लोगों का कारण था, ये सब जानेंगे आज इस वीडियो के दौरान। परशुराम जी जमदर्गी और रेणुका के पुत्र थे। कहते हैं जमदर्गी अपने क्रोध के कारण बहुत ज्यादा मशहूर थे। परशुराम जी भगवान शिव के पुत्र माने जाते हैं। कहते हैं कि घोर तपस्या करने के बाद उन्हें परशुराम के रूप में एक पुत्र प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि परशु उनका नाम इसलिए भी पड़ा क्योंकि वह एक अस्त्र के नाम पर पड़ा था, इसलिए उनका नाम परशु से परशुराम पड़ा। कहते हैं कि परशुराम जी बचपन से ही छोटे से जब थे, जब वह सीखने में कुछ ज़्यादा ही गुणता दिखाते थे, वह जो भी चीज़ उन्हें सिखाई जाती थी वह बहुत जल्दी पिकअप कर लिया करते थे, जल्दी सीख लिया करते थे, तो इसलिए भी उनका नाम परशुराम पड़ा। परशुराम जी अपनी माँ का बहुत ज़्यादा आदर करते थे, उनका कहना भी मानते थे, और पिता की बात उनके लिए एक पत्थर की लकीर थी। कहते हैं कि परशुराम जी रेणुका के पुत्र थे, इस कारण से वह क्षत्रिय भी थे, क्योंकि रेणुका क्षत्रिय थी और वह जहाँ पर पैदा हुई थी वह उनके कुल क्षत्रिय माने जाते थे, इसलिए परशुराम में भी क्षत्रिय गुण बहुत ज़्यादा थे और उनके पिता का उनके अंदर कुछ ज़्यादा ही क्रोध था। कहते हैं परशुराम जी में ही सबसे बड़े योद्धा माने जाते हैं। परशुराम के माता पिता बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक थे और जिस कारण से उनकी माता रेणुका उनका पानी पर अधिकार था और उनके पिता अग्रिम पर अधिकार था। कहते हैं कि उनकी माता जब गीली मिट्टी के घड़े में पानी भरकर लेकर आती थी तो वह पानी उसमें रहता था, इसलिए कहा जाता है कि उनका पानी पर अधिकार था। नंबर दो, एक बार की बात है जब ऋषि ने अपनी पत्नी यानी कि रेणुका को पानी भरने के लिए भेजा। स्त्री होने के कारण वह थोड़ा मन विचलित था, जिस कारण से वह पानी भरने तो गई लेकिन पानी मटका फूटने पर ऋषि के ऊपर पानी गिर गया, जिस कारण ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया। श्राप में उनसे कहा कि आप परशुराम को बुलाओ। परशुराम को बुलाने के बाद उन्होंने परशुराम से कहा कि आप अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दो, और परशुराम ने उनकी आज्ञा पाकर सर धड़ से अलग कर दिया। और ये ऋषि देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने के बाद उन्होंने कहा कि तुम एक वरदान मांगो। तो उन्होंने वरदान में मांगा कि आप मेरी माता को फिर से जीवन दान दीजिए, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं थी। तब उन्होंने उन्हें जीवन दान दिया और रेणुका को नया जीवन प्रदान मिला। नंबर तीन, परशुराम जी कई कलाओं में माहिर थे। उन्होंने कई लोगों को यह ज्ञान भी सिखाया, कलाएं सिखाई। कहते हैं कि वह भगवान विष्णु के दसवें अवतार होंगे। उन्होंने भीष्म पितामह को भी ये कला सिखाई, युद्ध की कलाएं उन्होंने सभी को सिखाई। कर्ण को, द्रोणाचार्य को भी यह कलाएं परशुराम ने ही सिखाई थी। नंबर चार, एक बार परशुराम जी हिमालय गए थे, हिमालय पर दर्शन करने गए थे पार्वती माता के, लेकिन उसी वक्त उन्हें बीच रास्ते में गणेश भगवान ने उन्हें रोक लिया। गणेश भगवान ने आग्रह किया कि वह ना जाए, लेकिन वह चाहते थे कि पार्वती के वह दर्शन कर लें, और उन्होंने कहा कि नहीं, आप नहीं जा सकते, क्योंकि पार्वती ने उन्हें आज्ञा दी थी कि कोई भी उनसे मिलने ना आए। फिर परशुराम ने गणेश से कहा कि आप मुझसे युद्ध कीजिए, तो गणेश भगवान ने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उनसे युद्ध किया, और परशुराम और गणेश भगवान में युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान उन्होंने गणेश भगवान का सर काट दिया। इस बात को देखकर पार्वती नाराज हो गई और इतना क्रोध हुआ कि उस क्रोध में आकर उन्होंने परशुराम जी के ऊपर अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। उस गुस्से के ऊपर भगवान शिव भी उन्हें रोक नहीं पाए। नंबर पाँच, परशुराम जी को जब भगवान गणेश ने माफ़ी दिलाई, जब पार्वती ने कहा उनसे क्षत्रियों का रक्त बहाने के बाद भी आपका पेट नहीं भरा, जो आपने मेरे पुत्र को भी मार डाला, तो उन्होंने परशुराम ने पार्वती माता से माफ़ी मांगी और भगवान गणेश ने उनसे कहा कि उन्हें माफ़ कर दिया जाए, और माँ पार्वती ने उन्हें माफ़ करने के बाद परशुराम को पशु उपहार में दिया। तो ये थे वह कारण जिस कारण से परशुराम ने अपनी माता का सिर काटा था। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए मैं प्रीति श्रीवास्तव आपसे इजाज़त लेती हूँ।